फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ रबे अव्वल स्पेशल खीर बनाने जा रहे हैं। आइए हम बताते हैं कि रबे अव्वल स्पेशल खीर कैसे बनती है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है। सबसे पहले तो आपके खीर के लिए आप ये 1/2 kg दूध ले लीजिएगा और ये है 100 ग्राम बासमती राइस, जिसे हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया है। और ये है 3 से 4 स्पून, इसमें हमने स्पून हमने इसमें चीनी लिया है। और ये है पिस्ता 6 से 7 पीस, जिसे हमने छोटे छोटे बारीक काट लिया है। और ये है 10 से 12 किशमिश। और ये है बादाम 5 से 6 पीस, इसे भी हमने इसी तरह चॉप कर लिया है। और ये है अनसॉल्टेड बटर 2 स्पून, अनसॉल्टेड बटर है, इसका भी आप यूज़ कीजिएगा। और ये है कलर, फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है तो आप डालिए वरना स्किप कर दीजिएगा। और ये है केसर। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे खीर बनती है। देखिए, इस चावल को आप मिक्सर में इसे आप पीस लीजिए, दरदरा पीसिएगा, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। इसे हम आपको पीस के दिखाते हैं कि किस तरह का पिसाता है, वैसे हम आपको बता रही है दरदरा पिसाता है। चलिए हम पीस के आपसे मिलते हैं। देखिए, इसे हमने इस तरह से दरदरा इसे हमने पीस लिया है, आप ये देख सकते हैं। अब इसे आप एक बर्तन में डाल लीजिए। ये देखिए, हमने इसे एक बर्तन में रख लिया है और आप जो हमने 1/2 kg दूध लिया था उसे भी इसमें हम डाल रहे हैं। आइस आप गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, ऐसे आप धीरे धीरे आप इसे इस तरह से चलाते रहिए। 5 से 10 मिनट के लिए इसे चलाइए। देखिए, हमारा चावल गल चुका है, आप ये देख सकते हैं। और इसकी आप कंसिस्टेंसी इस तरह की रखिएगा, ज़्यादा पतली मत कीजिएगा। और ये चावल भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आप इसमें ये जो हमने शुगर लिया था इसे आप ऐड कर लीजिए और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जितना ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं उतना शुगर डालिए, और नहीं अगर कम खाते हैं तो इसमें कम शुगर डाल दीजिए और इसमें आप मिक्स कर लीजिए। और इसमें आप 1 pinch इसमें आप कलरफुल डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे तरीके से शुगर को इसमें मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद आप ये जो हमने किशमिश लिया था ये किशमिश आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसे आप इसी तरह मिलाते रहिएगा। और ये जो हमने बटर लिया था इस बटर को भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये सारे बटर को आप इसमें ऐड कर लीजिए। बटर आप अनसॉल्टेड लीजिएगा, सॉल्टेड मत लीजिएगा। और ये जो बादाम हमने काटा था इसे भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। और ये पिस्ता इसे भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। 5 मिनट के लिए इसे आप इसी तरह पका लीजिए। देखिए, हमारा ये रेडी हो चुका है, आप ये देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब आप इसके ऊपर आप ये केसर के दाने इस पे आप डाल दीजिए। हमारी खीर रबे अव्वल स्पेशल रेडी हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या कहें, बस दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।